हे गाइस, स्वागत है सबका और एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रियलमी एक्स टू डिवाइस में रियलमी वाई 2.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 का जो थर्ड बैच ऑफ स्टेबल अपडेट जो 8.22 अपडेट आया है उसका फुल डिटेल्स रिव्यू आज हम इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आपके पास रियलमी एक्स टू डिवाइस है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, रियलमी एक्स टू डिवाइस में ये जो अपडेट आया है इसके साथ आपको कुछ न्यू या फिर हिडन फीचर्स देखने को मिलेगा या फिर नहीं, वो भी बताऊंगा। और दोस्तों, इसके साथ आपको बहुत सारे मेजर बग भी देखने को मिल रहा है। कौन सा मेजर बग आया है 8.22 अपडेट के साथ रियलमी एक्स टू डिवाइस में, वो भी बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा जरूर जाकर वीडियो को लाइक कर देना। आपको एक लाइक का बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के। और दोस्तों, उसके साथ साथ अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जाओ फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रोजाना इसी चैनल में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस जाओ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में जरूर प्रेस कर देना। तो गाइस, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करके देख लेते हैं मेरे पास कौन सा डिवाइस है, कौन सा वर्जन अपडेट है मेरे डिवाइस में। तो गाइस, फिलहाल चलते हैं यहाँ पे सेटिंग में, फिर यहाँ पे चलते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट में। तो फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। तो आप फिलहाल यहाँ पे देखिए रियलमी वाई 2.0 एंड्रॉइड 11 ऑफिशियली वर्जन। आप RMX नंबर भी देख लीजिए, RMX 1992A रियलमी एक्स टू डिवाइस का RMX नंबर है। और गाइस देखिए, जो वर्जन मेरा डिवाइस में इंस्टॉल है वो है 8.22, ए लेटेस्ट वर्जन है। तो दोस्तों, फिलहाल इसका चेंज लॉक भी देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगस्त का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा, जिसमें 5 अगस्त का सिक्योरिटी पैच होने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए, OTG में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था डाटा केबल में, वो भी यहाँ पे फिक्स हो चुका है। आप जब भी केबल से कोई भी डाटा ट्रांसफर कर रहे थे लेकिन वो नहीं हो रहा था, लेकिन इस अपडेट के साथ वो यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो चुका है। उसके साथ साथ कैमरा में कुछ लैगिंग इशू भी देखने को मिल था, लेकिन दोस्तों इस अपडेट के साथ वो भी यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो गाइस, आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा, कौन सा मेजर बग आया है, कौन सा प्रॉब्लम फिक्स किया गया है, कौन सा न्यू फंक्शन आया है, सब कुछ दिखाऊंगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत करना। तो गाइस, फिलहाल यहाँ पे चलते हैं अबाउट फोन में और देख लेते हैं मेरे पास कौन सा डिवाइस है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए मेरे पास रियलमी एक्स टू डिवाइस है। आप RMX नंबर भी देख लीजिए, रियलमी वाई वर्सन भी, एंड्रॉइड 11 है मेरे डिवाइस में। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कौन सा मेजर बग इस अपडेट के साथ आया है रियलमी एक्स टू डिवाइस में। तो गाइस देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो बग देखने को मिलेगा वो है स्टेटस बार में। तो फ्रेंड देखिए, आप स्टेटस बार ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए जो पर्सनल हॉटस्पॉट है वो यहाँ पे इनविजिबल हो गया है, मतलब गायब भी हो गया है, ये यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। उसके साथ दोस्तों देखिए, कभी कभी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो भी यहाँ पे काम नहीं करता है, वो भी यहाँ पे गायब हो जाता है इस अपडेट के बाद। ये मुझे एक मेजर बग देखने को मिला है। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए, कभी कभी यहाँ पे देखिए जो डाटा कनेक्शन का जो स्पीड है ना, वो भी यहाँ पे कभी कभी नहीं आ रहा था, अभी यहाँ पे है फिलहाल, लेकिन दोस्तों कभी कभी नहीं आ रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए, मेरा डिवाइस में यहाँ पे माइक कनेक्ट है, ईयरफोन कनेक्ट है, यहाँ पे आपको ईयरफोन का जो आइकॉन है वो आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं जब भी ये स्टेटस बार को ऊपर की तरफ स्वाइप करता हूँ, यहाँ पे देखिए आपको जो माइक का जो साइन है वो यहाँ पे गायब हो चुका है, ये भी मुझे एक बग देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए, कभी कभी जो डिवाइस है लैगिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो ओपन नहीं हो रहा था, ओपनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये मुझे एक मेजर बग देखने को मिला है। उसके साथ दोस्तों, प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, वो भी यहाँ पे गायब हो चुका है, ये बहुत ही ज्यादा एक मेजर बग देखने को मिला है। इसका रिगार्डिंग मैंने रियलमी सपोर्ट इंडिया के साथ बात किया, उन्होंने बोला है नेक्स्ट अपडेट के साथ ये फिक्स किया जाएगा, और बहुत सारे मैंने फीडबैक भी शेयर किया। तो गाइस, अगर आपका डिवाइस में ये जो बग देखने को मिल रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। उसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जो फाइल मैनेजर है वो भी यहाँ पे सही तरह से ओपन नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखिए जो रिसेंट डिलीटेड का ऑप्शन है ना, वो कभी कभी यहाँ पे नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों, मैं एक बार मेरा डिवाइस को सिस्टम सेटिंग ओनली जो रिसेट होता है ना, वो मैंने किया, करने के बाद यहाँ पे जो रिसेंट डिलीटेड का ऑप्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। तो पहले अपडेट के बाद ये गायब हो गया था। तो गाइस, अगर आपका डिवाइस में ये प्रॉब्लम हो रहा था तो आप एक बार जाके
एडिशनल सेटिंग में जाके जो सिस्टम सेटिंग ओनली रीसेट वो आप एक बार करके देखना, आपका डिवाइस में ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो डिवाइस बहुत ज़्यादा लैगिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है डिवाइस। तो गाइज अगर आप अभी तक ये अपडेट नहीं किया तो आप अपडेट मत करना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बग आपको देखने को मिलेगा रियलमी X2 डिवाइस में 8.22 अपडेट के बाद। तो गाइज आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना आपका डिवाइस में इसके अलावा और क्या क्या बग देखने को मिल रहा है। दोस्तों मुझे और एक बग देखने को मिला है 8.22 अपडेट के बाद। तो फिर देखिए अपडेट करने के पहले मेरा डिवाइस में एक जीकैम था और अपडेट करने के बाद वो जो जीकैम है वो ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन पहले अच्छी तरह से काम कर रहा था वो जीकैम। मैंने बहुत सारे फोटो क्लिक किया उस जीकैम के साथ, लेकिन जैसे ही मैं अपडेट किया 8.22 तो उस जो जीकैम है वो ओपन ही नहीं हो रहा है। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन वो जीकैम ओपन ही नहीं हो रहा है। तो जीकैम में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है 8.22 अपडेट के बाद, और फिर जाके मैंने वो जीकैम को अनइंस्टॉल कर दिया हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया इसका भी आपको गेम प्ले देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। आप जाओ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रखो, बहुत ही जल्द बैटल ग्राउंड इंडिया का गेमिंग टेस्ट आने वाला है रियलमी X2 डिवाइस में 8.22 अपडेट के बाद। उसके साथ साथ दोस्तों चार्जिंग टाइम कैलकुलेशन बैटरी बैकअप टेस्ट भी आने वाला है। तो गाइस जाओ आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, बहुत ही जल्द आपको उसी वीडियो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर हिडन और न्यू फंक्शन की बात किया जाए तो 8.22 अपडेट के बाद रियलमी X2 डिवाइस में आपको एक दो हिडन पर्सन जरूर देखने को मिलेगा, न्यू फंक्शन जरूर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग में जाना होगा, सेटिंग में जाने के बाद आपको पर्सनलाइजेशन सेक्शन में जाना होगा, उसमें जाने के बाद आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑप्शन में जाना होगा। तो इधर दोस्तों आपको एक AOD कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, न्यू आपको एक दो क्लॉक भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपके पास रियलमी X2 डिवाइस है और आप 8.22 अपडेट किया होगा तो आप पर्सनलाइजेशन सेक्शन में जाके जरूर चेकआउट करके देखना, आपको एक डू न्यू क्लॉक जरूर देखने को मिलेगा इस अपडेट के बाद। और उसके अलावा आपको और कुछ भी न्यू फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा, आपको सेम टू सेम वही फंक्शन देखने को मिलेगा रियलमी लैब में। डिसरेनिंग फंक्शन, स्मूथ स्क्रोलिंग फंक्शन, स्लीप कैप्सूल, इन तीनों फंक्शन ही आपको देखने को मिलेगा। इधर भी आपको न्यू फंक्शन कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पे बैटरी सेक्शन में देखिए, आपको बैटरी सेक्शन में आपको पावर सेविंग मोड, सुपर पावर सेविंग मोड, यही आपको फंक्शन देखने को मिलेगा। तो गाइस आप जाओ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इसका फुल बैटरी बैकअप टेस्ट भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है जो बैटरी बैकअप है वो थोड़ा सा यहाँ पे डाउनग्रेड हो चुका है, बैटरी बैकअप आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा 8.22 अपडेट के बाद। जस्ट मैं जितने दिन इसको यूज़ किया उसके ऊपर डिपेंड करके मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने बैटरी बैकअप टेस्ट अभी तक नहीं किया, तो बहुत ही जल्द बैटरी बैकअप टेस्ट भी होने वाला है इसी चैनल में। आप जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और उसके साथ दोस्तों देखिए आपको और कुछ भी न्यू फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा 8.22 अपडेट के बाद। तो गाइस अगर आपके पास रियलमी X2 डिवाइस है और अभी तक आपने 8.22 अपडेट नहीं किया तो गाइस आप अपडेट मत करना, इस अपडेट के साथ आपको बहुत सारे मेजर बग देखने को मिलेगा। तो आप इस अपडेट का मत करना, अगर आपको अपडेट किया होगा तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताना आपका डिवाइस में इसके अलावा और क्या क्या बग देखने को मिल रहा है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था, वीडियो कैसा लगा आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो यार मिलते हैं और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।